मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर आदिवासियों की एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी भी शामिल हुए थे। इसी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सरजू टेकाम की जुबान फिसल गई। उन्होंने कह दिया कि भाजपाई जब वोट मांगने आएंगे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। सरजू टेकाम का बयान सामने आने के बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेताओं ने उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस नेता सरजू टेकाम ने न सिर्फ भाजपा नेताओं के खिलाफ बयान दिया, बल्कि उन्होंने बजरंग बली को लेकर भी अशोभनीय टिप्पणी की। भाजपा नेताओं ने आदिवासी नेता सरजू टेकाम सहित मंच पर उपस्थित गोविंद शाह वाल्बो, विधायक इंद्र शाह मंडावी पर FIR दर्ज करने की मांग की है। आदिवासी नेता MD ठाकुर ने मांग की है कि विवादित भाषण के आधार पर सरजू टेकाम को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रणनीति पर भाजपा आदिवासी प्रकोष्ठ विचार करेगा। उसका आयोजन करने वाला विधायक है और उस क्षेत्र के विवादित सरजू टेकाम है। उन्होंने अपने सभा में पूरे जनता के बीच में ललकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय हम टुकड़े टुकड़े काट के फेंक देंगे, ऐसा अपनी बात रखा है, उसने बोला है। ही ये प्रायोजित कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसका हम निंदा करते हैं और सरजू टेकाम को के खिलाफ में FIR दर्ज करवाएंगे और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।